हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनी क्यूक रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं आलू गोभी और मटर की सब्जी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू गोभी मटर की सब्जी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री ले लें, जैसे 400 ग्राम गोभी, इसे काट कर धोकर ले लिए हैं। 400 ग्राम आलू, इसे भी छील कर काट कर धोकर लिए हैं। 250 ग्राम मटर के दाने, इसे भी धो लिए हैं। और मसाले में 15 से 16 लहसुन की कलियां, इसे छील लिए हैं। 3 बड़ी चम्मच धनिया, 4-5 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, इसे बीच से जीरा लगा दिए हैं इस तरह से कट करके। 2 बड़ी चम्मच जीरा, 1 चम्मच फोरन में यूज करेंगे, 1 चम्मच मसाले में डालेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च, अदरक कुटा हुआ 1/2 चम्मच, 2 तेज पत्ता, 2 प्याज को छीलकर इसे भी काट लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक, 2 टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ, धनिया पत्ता, इसे बारीक काट लिए हैं। 5 बड़ी चम्मच सरसों का तेल, 2 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 पिंच हींग, हींग से टेस्ट अच्छा आता है, और पानी। सबसे पहले हमें कढ़ाई चढ़ाकर उसमें 2 बड़ी चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो चुका है। 1/2 पिंच हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, अदरक कुटा हुआ, तेज पत्ता, सूखा लाल मिर्च, इसे मिला लें। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब इसमें हम आलू डालकर रोस्ट करेंगे। आलू को लगातार चलाते रहें। जब इसका भी कलर चेंज हो जाएगा तो इसे थाली या प्लेट में हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं आलू रोस्ट हो चुका है। अब इसे प्लेट में निकाल लें और सेम कढ़ाही में जो तेल बच गया है इसी में प्याज और मटर को रोस्ट करेंगे। तो प्याज का जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब इसमें हम मटर के दाने को डालेंगे। जब इसका भी कलर चेंज हो जाएगा तो इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मटर का कलर चेंज हो चुका है। अब इसे भी थाली में निकाल लें और सेम कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब इसमें गोभी को रोस्ट करेंगे। सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसे लगातार चलाते रहें और जब ये रोस्ट हो जाएगा तो इसे भी हम थाली में निकाल लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे आप रोस्ट करें। ये भी रोस्ट हो चुका है, अब इसे निकाल लें। अब चलते हैं मसाले को बनाने के लिए। एक ग्राइंडिंग जार ले लें। अब इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे, धनिया 3 बड़ी चम्मच, 2 सूखा लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन लगाकर स्मूथ पेस्ट में ब्लेंड कर लेंगे। अब ये फाइनली मेरा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। अब देख सकते हैं कितना स्मूथ है। तब सेम वही कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसी में टमाटर का पेस्ट और मसाले जो बनाए थे इसे डालकर चलाएंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, अब इसे तीनों को मिला लें और इसे रोस्ट करेंगे। इसे तब तक चलाते रहना है जब तक इसे तेल रिलीज ना होने लगे। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का तेल रिलीज होने लगा, मसाले रोस्ट हो चुका है। अब इसी में सभी सब्जी को मिला देंगे, आलू गोभी मटर प्याज, इसे अच्छी तरह से मिला दें और इसे थोड़ा सा चला देंगे। स्वाद अनुसार नमक, इसे भी अच्छी तरह से मिला लें। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने से सब्जी का कलर अच्छा आता है और जल्दी से पक भी जाता है, तो गर्म पानी हम करके रखे थे। अब इसे ढक देंगे। ढकने के बाद 10 से 15 मिनट तक पकाएं या आलू को मैश होने तक। तब इसे हटाकर देख लेते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुका है।
ये सब्जी मेरा पक गया है, आप देख सकते हैं। इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। अब ये फाइनली मेरा आलू गोभी मटर का सब्जी बनकर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। इसे थाली या प्लेट में इस सब्जी को निकाल लें। इस सब्जी को आप पराठा, चपाती, रोटी, धुसका, पूड़ी, चावल, दाल किसी के साथ भी खा सकते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। ये सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको यूजफुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।